नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से मुखातिब हूँ बीए पार्ट थर्ड सेक्शन डी के छात्रों से। और आज हम चर्चा कर रहे हैं सेकेंड पेपर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के रिलीफ फीचर्स पर, भारतीय द्वीप इंडियन आइलैंड्स पर। हमने इसके पहले रिलीफ के हिमालयन रीजन, ग्रेट प्लेन रीजन, इंडियन प्लेटो रीजन पर विस्तार से चर्चा कर ली है और आज बात कर रहे हैं इंडियन आइलैंड्स पर। भारत में मुख्य स्थल के अतिरिक्त हिंद महासागर में बहुत से द्वीप हैं। भारत में कुल 247 द्वीप हैं, जिनमें से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में तथा शेष 43 द्वीप अरब सागर में हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप जलमग्न टर्सरी पर्वतमाला के ऊपरी भाग हैं, जबकि अरब सागर के द्वीप प्राचीन भूखंड के अवशिष्ट भाग हैं और प्रवाल भित्तियों द्वारा बने हैं। आइए इन पर चर्चा करते हैं। पहले बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के तट के निकट कई द्वीप हैं। गंगा के डेल्टाई भाग में द्वीपों की संख्या अधिक है। हुगली नदी के सामने 20 किलोमीटर लंबा गंगा सागर नामक द्वीप है। 24 परगना के तट पर अनेक मग्न तटीय द्वीप पाए जाते हैं। हाल ही में यहाँ पर न्यू मूर द्वीप का निर्माण हुआ है। महानदी ब्राह्मणी डेल्टा के निकट भी छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा द्वीप 50 किलोमीटर लंबा है, जहाँ पर भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। तमिलनाडु तथा श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में अनेक छोटे छोटे प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। तट से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान द्वीप समूह का विस्तार 10 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 92 डिग्री से 93 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। इस समूह के द्वीप लगभग 300 किलोमीटर लंबे 8,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये तीन मुख्य समूहों में बटे हुए हैं, जिनमें उत्तरी अंडमान, मध्यवर्ती अंडमान तथा दक्षिणी अंडमान सम्मिलित हैं। यह द्वीप टर्सरी युग के बलुआ पत्थर, चूना पत्थर तथा सैल से निर्मित हैं। ये काफ़ी कटे फटे द्वीप हैं। यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई 730 मीटर है। ये प्रवाल भित्तियों से घिरे हुए हैं। यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं। अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह है। यह 19 द्वीपों का समूह है, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 9 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। इस द्वीप समूह के उत्तरी भाग को कार निकोबार तथा दक्षिणी भाग को महान निकोबार कहते हैं। इसका क्षेत्रफल क्रमशः 168 वर्ग किलोमीटर तथा 200 वर्ग किलोमीटर है। यह समूह का सबसे बड़ा द्वीप महान निकोबार द ग्रेट निकोबार है, जिसका क्षेत्रफल 862 वर्ग किलोमीटर है। अन्य महत्वपूर्ण द्वीपों के नामों में तिलांचोंग, चनुमला, ठेरसा, कमोरटा, कचाल, नानक रोडी, ट्रिंकेट आदि हैं। पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में स्थित बैरन तथा नारकोडम द्वीप ज्वालामुखी द्वीप हैं। और आपने पढ़ा भी है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ऐतिहासिक महत्ता भी बहुत है। यहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा जो सेलुलर जेल बनाई गई थी, वो अंडमान निकोबार में ही है। आइए चर्चा करते हैं अरब सागर के द्वीपों की।
अरब सागर में काठियावाड़ के दक्षिण तथा पूर्वी तटों के निकट कई चट्टानी द्वीप मिलते हैं। यहाँ पर पीरम तथा भौंसल द्वीप प्रमुख हैं। मुंबई तथा मंगलौर के बीच भी कई चट्टानी द्वीप मिलते हैं। मुंबई के निकट हेनरे, कैनरे, वुचर, स्वेलिफेंटा तथा अरनाला द्वीप प्रमुख हैं। मंगलौर के उत्तर में भटकल द्वीप है। चट्टानी द्वीपों के अतिरिक्त कांप बिछे द्वीप भी हैं। खंबात की खाड़ी के ड्यू द्वीप 12 किलोमीटर लंबे हैं। कच्छ की खाड़ी में वैद, नोरा, पिरटान तथा करुभार द्वीप हैं। नर्मदा तथा तापी नदियों के मुहाने के निकट खड़ियावेट, अलियावेट आदि द्वीप भी कांप युक्त द्वीप हैं। केरल तट से कुछ दूरी पर पश्चिम की ओर लक्षद्वीप समूह है। पहले इस द्वीप समूह को लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीन दीवी नामों से पुकारा जाता था। ये द्वीप 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य फैले हुए हैं। ये छोटे छोटे द्वीप हैं और इनका कुल क्षेत्रफल केवल 32 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप है। यहाँ की राजधानी कविरत्ती इसी द्वीप पर स्थित है। अमीन दीवी एक छोटा सा द्वीप है। सुदूर दक्षिण में मिनिकाय द्वीप है जिसका क्षेत्रफल लगभग 45 वर्ग किलोमीटर है। तो संरचनात्मक दृष्टि से धरातल के आधार पर देखा जाए तो हिमालय पर्वत, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार ये मुख्य भूखंड का भाग है और समुद्र के अंदर जो भारतीय सीमा में द्वीप समूह है उनकी चर्चा हमने बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अरब सागर के द्वीप के रूप में आपसे साझा की। इनका महत्व भी है क्योंकि यहाँ से भारत के अनुसंधान से जुड़े हुए मुख्य बिंदु, ऐतिहासिकता के मुख्य बिंदु, पेट्रोलियम उत्पादन के बहुत सारे बिंदु जुड़े हुए हैं और इन सब के अलावा टूरिस्ट पर्पज भी बहुत अधिक इन द्वीपों के साथ में पूरा हो रहा है। तो इनकी अपनी एक महत्ता है। अब छात्रों के रूप में आपके साथ में अनिवार्य है कि रिलीज पर या धरातल के उच्चावचों पर हमने जो अलग अलग हर पक्ष की चर्चा की इसका आप विधिवत मानचित्र पर पूरा अभ्यास करें इनके विभाजन, क्योंकि परीक्षा प्रयोगी दृष्टि से आप देखेंगे ये प्रश्न लगभग हर वर्ष परीक्षा में आता है भारतीय रिलीफ पर, संरचना पर। हाँ, ये एक अलग बात है कि इनमें से किसी भी एक भूभाग की विस्तृत विवेचना भौगोलिक दृष्टि से परीक्षक महोदय करवाते हैं। तो आपको अपने अध्ययन में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें हमसे कोई भी भूभाग पूछा जाए उसकी पूरी तैयारी हो। आज हमने चर्चा की आपसे भारतीय द्वीप पर। आगे अगले चैप्टर में किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।